मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेनली माउस और हेडफोन्स के बारे में, और मैं आया हूँ अभी कर्मा आईटी में। तो प्रतीक सर कैसे हो आप? बस सर। तो सर ये वीडियो में हमें माउस और हेडफोन्स के बारे में मेनली बताओ सर। सो बेसिकली अभी ब्रांड वाइज देखेंगे तो अपने पास BenQ का जावी है, फिर आप सर्कल देख सकते हो, अभी XPG ब्रांड है, शायद लोगों को काफी कम लोगों को पता है। ए डाटा जो सुना रहेगा आपने, उसका ब्रांड है, गेमिंग ब्रांड है XPG, उसके माउस मिल जाएंगे। HyperX है जो किंगस्टन का है। खैर अभी एक बात बता दो कि अभी किंगस्टन के पास नहीं है, अभी HP के पास आ चुका है HyperX। उसके अलावा फिर आप देखेंगे हमारे पास MSI के माउस है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो Logitech के माउस मिलेंगे। जो भी रनिंग माउस है वही ज्यादा करके दिखेंगे। G102 है जो एक एंट्री लेवल गेमिंग माउस है विद द RGB फीचर। फिर आपको G402 आएगा। ओके, G402 इज अ किंग माउस। आप हर गेमिंग कैफे या हर जगह आप देखते तो ये सबसे फेमस माउस था। इसके पहले Logitech आता था MX मास्टर। सो माउस वाइज देखेंगे ज्यादा करके Logitech इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड सर्विस, बहुत अच्छा है क्योंकि ये सब रिप्लेसमेंट होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अपने पास फिर Razer के माउस है। Razer में आप देखेंगे 4 मॉडल है हमारे पास, जैसे कि भी मॉडल आपको मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली ये मॉडल देखेंगे तो दिस इज Razer का एसेंशियल गेमिंग सीरीज, आपको एसेंशियल गेमिंग दिखेगा। ये बेसिकली सबसे चीपेस्ट प्राइस में आपको Razer का मिलता है, जैसे कि 1600 से 1700 रुपए के प्राइस में आपको मिलता है। अभी Razer जैसे माउस, गेमिंग माउस आपको कोई ये प्राइस में नहीं मिलता, ये सबसे चीपेस्ट मॉडल निकाला हुआ है। इसके कॉम्पिटिटिव में फिर आप देखेंगे तो Logitech का आता है आपको G102। ये माउस तकरीबन आपको 1400 से 1500 1600 तक के मिलेगा मार्केट में। ये तो हो गया आपके बजट सेगमेंट माउस। इसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं तो फिर आता है सर्कल, जैसा आप एक ब्रांड बोल सकते हो, दिस इज अ गुड माउस। अभी आप ये माउस देखेंगे, इसके जो क्लॉ साइज है वो काफी, मतलब पाम साइज काफी बड़ा है। जिस अभी ये माउस का मेन यही है कि आपके पाम के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। यू कैन नॉट गो एनी ब्रांड या एनी कोई माउस ऐसा नहीं ले सकते। इफ आप गेमिंग करते हो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके माउस का हैंड का साइज क्या है। किसी का छोटा रहता है, किसी के हाथ बड़े रहते, तो उस हिसाब से माउस होते हैं। तो ये भी एक बेसिक सीरीज का आपका माउस है जो 1500 से 1800 के रेंज में आता है। फिर अभी अपन बात करेंगे जैसे XPG, अभी ये माउस है। तो ये माउस बेसिकली मैंने पर्सनली यूज करा हुआ है। ब्रांड वाइज मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता इसमें, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या फिर क्वालिटी अभी तक ये माउस में स्पेसिफिक मैंने प्रॉब्लम नहीं देखी है। खैर इसी का एक हेडफोन आता है, जैसे कि मैं आपको और आगे दिखाऊंगा। वो हेडफोन आप देखेंगे तो उस हेडफोन में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ब्रेकेज का इशू या फिर ड्राइवर का इशू आता है। ये हो गया XPG का माउस। फिर इसमें और एक प्राइमर आता है। अभी ये माउस आप बोल सकते हो इट्स अ बिट ऑफ स्टाइलिश माउस, जैसे कि आपको RGB फीचर दे दिया, जिसमें लाइटिंग वाइटिंग ज्यादा करके दे दी। ये आपको माउस आ जाता है तकरीबन 2700 से लेके 3000 तक के। फिर जैसे मैंने MSI का बताया, MSI खैर ठीक है, पेरिफेरल्स में इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, बट फिर भी ठीक है, एक इकोसिस्टम के हिसाब से MSI ने भी अपने कीबोर्ड्स, माउस या फिर हेडफोन्स निकाले हैं मार्केट में। फिर अभी बात करते हैं Razer के स्पेसिफिक ये माउस में। जैसे मैंने आपको बताया साइज का जो होता है, तो ये Razer का वाइपर मिनी है। जिनके हाथ छोटे हैं, जिनका साइज छोटा है, उनके लिए फिर ये माउस काफी रिकमेंडेड है। ये माउस जैसे आप जाते तो आपको 3500 से 4000 के बीच में आपको रेंज में मिल जाते हैं। फिर अभी Razer की अपन बात करेंगे तो ये है आपका Basilisk सीरीज माउस आएगा। ये भी माउस डिसेंट माउस है क्योंकि Razer में अभी के लिए राइट नाउ जो आपका मॉडल है वो ये है Death Adder V2, जो सबसे ज्यादा चलता है। साइज वाइज जिनके हाथ बड़े हैं वो ये माउस के साथ जा सकते हैं। DPI की जहां तक की बात करें तो सभी माउस में 4000 6000 12,000 ये लिमिट के DPI दिए, बट एज अ गेमर मैं जितना देखता हूँ DPI इतना ज्यादा कंसर्न नहीं करता है जितना आपके साइज हो गया या फिर आपका ग्रिप कंसर्न करता है। DPI व्हाट ऑब्वियस इज इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा आपका ग्रिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड यूजर आप एक इंडिविजुअल के हिसाब से देखोगे, आपको पहले वो चीज कंफर्टेबल होनी जरूरी है, उसके बाद आप खेलने की बात करेंगे वैसा। सो अगेन दिस इज अ गुड माउस, यू कैन ट्राई विद द Death Adder V2, ये भी अच्छा सीरीज का माउस है। फिर आते हैं हम अपने Asus के जो ROG जो सीरीज निकाला है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, ये आपको माउस मिलता है। अगेन इसमें आपको दो ऊपर कवर भी दिए हुए कि इन केस अगर आपके टाइम यूज करके अगर खराब हो जाता है तो यू कैन रिप्लेस इट फ्रॉम दीस टू। ये फीचर आपको इसमें भी दिया हुआ है। ये हो गया आपके साथ माउस। सर मेनली स्पीक्स का क्या रेंज रहेगा? स्पीक्स नहीं, ये ज्यादा प्राइस नहीं है सर। देखो ये चीज है, ये एक स्पेसिफिक माउस जो दिखता महंगा है पर इतना महंगा है नहीं। ये बेसिकली आपका 2200 से 2600 की रेंज में आपको आता है। और जो Death Adder आप बोल रहे थे, Death Adder का क्या रेंज रहेगा? Death Adder जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये Death Adder V2 है। ये इसका प्राइस मार्केट में आप देखेंगे तो 55 to 5700 आता है। ये प्राइसिंग में रिटेल का प्राइस बता रहा हूँ, बिकॉज एक प्रॉफिट चीज भी होती है कि हर सप्लाई मिले वैसा उस तरह का। तो 5700 to 6000 का आप इसका वर्थ देख सकते हैं, ये आपको मार्केट में आपको मिल जाएगा माउस। सर तो अभी आते हैं हेडफोन्स की तरफ। हेडफोन में सर अभी आप देखेंगे तो अभी राइट नाउ वही मैंने आपको बताया कि राइट नाउ सिचुएशन इतना खराब है कि बहुत ही लिमिटेड स्टॉक प्रोसेस हो रहा है, बट हम ट्राई करें जितना हो सके उतने बेस्ट ब्रांड हम मार्केट में ला पाए और कस्टमर्स तक पहुंचा पाए। तो भी आप इसमें देखेंगे तो ये बहुत बेसिक चीज है, जैसे कि Zebronics का आपने ब्रांड सुना है, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड। अभी कीबोर्ड में आया है मैकेनिकल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। तो इसके हेडफोन्स भी आते हैं और इसके आपके माउस भी आएंगे, बट इनफैक्ट इसके माउस इतने ज्यादा ठीक नहीं है, बट आप जैसे हेडफोन है तो यू कैन गो विद दिस हेडफोन। अभी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इतने सारे फीचर जो यहाँ लिखे हुए अगर वो मिलते हैं तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी चीज है। ये आपको 1900 से 2200 तक की रेंज में आती है। उसके उसके बाद आप देखेंगे सर्कल गेमिंग। सर्कल का ये आर्को प्रो गेमिंग है जिसमें आपको आरजीबी इफेक्ट भी दिया हुआ है और इसका कॉस्टिंग आप देखेंगे तो आपका 1400 से 1600 तक के बीच में आपको ये सब हेडफोन्स आते हैं। ये जो हेडफोन्स है आप देखेंगे तो दिस इज अ 40mm ड्राइवर हेडफोन। 40mm ड्राइवर्स का मतलब क्या हो गया ये मैं आपको समझाता हूँ। जो आपके ईयर कप्स है उसका जो डायमेंशन है डायमीटर वाइज वो 40mm है, मतलब आप समझ सकते हो जैसे कि मिलीमीटर्स के हिसाब से, तो वो इस तरह का आता है। अभी ज्यादा जो गेमिंग में मार्केट में है ज्यादा करके वो प्रेफर करते हैं 50mm। अभी 50mm ड्राइवर्स किस में आते हैं मैं ये चीज में दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि अभी XPG का, जैसे मैंने आपको बताया एडेटा, यही ब्रांड सेगमेंट का इसका ब्रांड है, इसने भी बनाया हुआ अपना पीकॉक। इसमें और एक सीरीज आता है जैसे आप देखेंगे XPG H20। सो दिस इज अ हेडफोन, दिस इज द चीपेस्ट हेडफोन जो 7.1 में आता है। इसमें आपने कॉस्मिक बाइट भी देखा रहेगा, बट यही है कि वो सारे ब्रांड प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा सस्ते जो लोगों को काफी अच्छा लगता है। बट दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसके सर्विस टेंडर्स में आपको बहुत तकलीफें आती है। अभी ये हेडफोन आप देखेंगे और वो सारे ऑन पेपर्स हो गए, ये एक्चुअली आपको क्वालिटी देते हैं। ये आपका 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड के साथ आता है, अगेन 50mm ड्राइवर्स के साथ है एंड अगेन इसका जो कनेक्टिविटी है वो USB के थ्रू कनेक्टिविटी है। अभी ये आप रेंज देखेंगे तो इसका आपको आता है तकरीबन 2500 से लेके आपको 3000 के बीच में ये पड़ता है। जैसे आप रिटेलर या अभी जैसे लैमिनेटेड नोट है आपको प्राइस अच्छा मिल रहा है, कहीं और जाएंगे तो मे भी आपको 200 300 400 का फर्क आपको मिल जाएगा। फिर अभी बात करेंगे हम अपने कूलर मास्टर की MH650 की। इसमें और एक मॉडल निकला था इसके थोड़ा सा डाउन टूवर्ड्स था जो MH630 था, पर खैर बात यह है कि ज्यादा अंतर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है तो उस हिसाब से हम ट्राई करते हैं कि जो टॉप नॉच प्रोडक्ट है उसको ही रखिए। तो ये आपका MH650 सीरीज करके कूलर मास्टर का हेडफोन आता है जिसका आप देखेंगे पूरा डिटेल आपको पीछे दिया हुआ है और ये भी आपका 50mm ड्राइवर्स में ही आता है। इसकी कॉस्ट आप देखेंगे तो 5500 से लेके 5800 तक के है। फिर इसका कॉम्पिटिटर तो नहीं बोल सकता, बट हाँ इससे ज्यादा जो पसंद मैं करता हूँ वो एक ये भी एक हेडफोन है जो रेजर का आपको आएगा, रेजर का ये ब्लैक शार्क V2X करके हेडफोन आता है। इसमें और एक ब्रांड आता है, इसमें और एक मॉडल आता है इनफैक्ट जो ब्लैक शार्क V2 है। तो इतना याद रखना V2 जो है वो USB है, वो 9000 के ऊपर आता है और जो V2X है जो स्पेसिफिकली X सीरीज है वो आपको 6300 से लेकर 6800 तक के आता है। हेडफोन अच्छा है, इसमें अगेन आपको फिर ऑडियो स्प्लिटर दिया हुआ है। और अभी जैसे कि ये भी आप कूलर मास्टर करेंगे तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर आप टाइप सी यूजर हो बॉस तो फिर ये हेडफोन सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको इनबिल्ट एक टाइप सी कनेक्टर दिया हुआ है जो आपके ऑक्स फीमेल से टाइप सी में जाएगा। अभी आज के डेट में कैसा हो गया सर, पीसी का मार्केट आपको पता है कि ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग बहुत ऊपर है तो लोग अभी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे गेमिंग में। बट अभी जो मोबाइल गेमर, अभी पर्सनली आई टेल यू तो मैं खुद एक मोबाइल गेमिंग करता हूं, मैं ज्यादा भी पीसी गेमिंग नहीं करता, पर मेरे जैसा अगर इंसान हो टाइप सी आई यूज वन प्लस अगर ऐसा हेडफोन हो तो फिर मुझे फिर थर्ड पार्टी कनेक्टर्स लेने की जरूरत नहीं जिसमें मुझे क्वालिटी का इशू है। तो ये भी हेडफोन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छा है, कूलर मास्टर आप जा सकते हो। ब्रांड वाइज टचवुड इट्स अ वेरी गुड ब्रांड और सर्विस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर आते हैं हम हमारे कॉर्सर की ब्रांड पे। कॉर्सर थोड़ा सा रिच, थोड़ा अलग ब्रांड है बट क्वालिटी वाइज कॉर्सर इज ऑल्सो गुड। अगेन ये आता है HS50 Pro स्टीरियो। इसमें वापस HS50 Pro करके भी आता था, अभी ये जो मॉडल आ रहा है दैट इज स्टीरियो। इसका प्राइस देखेंगे तो ये 4200 टू 4500 है। इसके रिव्यूज इतने ज्यादा फ्रेंकली मुझे नहीं है बिकॉज मैं पर्सनली पहले से कूलर मास्टर लवर रहा हूँ, पर ये ब्रांड आप देखेंगे क्वालिटी वाइज नो प्रॉब्लम, किसी में भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है और क्वालिटी तो बट ऑब्वियस बहुत कॉर्सर है तो कोई दिक्कत आना नहीं है, बराबर है। फिर मैंने आपको जैसे कि ये पता है 7.1 है। फिर एक देखेंगे एंड ई स्पोर्ट्स का है, ये भी हेडफोन, ये जो ब्रांड अभी आपने सुना एंड ई स्पोर्ट्स, ये बेसिक प्राइसिंग में बहुत अच्छा डिसेंट ब्रांड चल रहा है। अभी जो एंड यूजर गेमर है जो अभी नए नए गेमिंग में आया हुआ है उनको जाना है तो आप एंड ई स्पोर्ट जैसा ब्रांड जा सकते हो, जैसे सर्कल हो गया एंड ई स्पोर्ट। ये जो हेडफोन देखेंगे दिस इज जस्ट फॉर 1250, बट इसमें यही बेनिफिट है, इसमें RGB दिया हुआ है, इसमें 50mm का ड्राइवर्स दिया हुआ है जो महंगे महंगे हेडफोन के साथ आता है। फिर आते हैं गेमिंग के जो सबसे जूने ब्रांड आज तक के चल रहे हैं, वो है लॉजिटेक। ये आपका लॉजिटेक का आता है G331 करके हेडफोन आता है। इसके बाद इसमें आपको G Pro X सीरीज भी है, वो सारी सीरीज भी आती है, बट वो फिर 9000 10000 12000 की हो जाती है। मार्केट अब तक के इतना अडॉप्ट नहीं कर रहा है, ये ज्यादा करके आप देखेंगे तो काफी बहुत कम क्वांटिटी में जाता है। क्या रेंज रहेगा सर पर लॉजिटेक? अभी जैसे कि ये हेडफोन है ये बेसिकली आपको 4600 से लेकर 4800 तक के आता है। लेकिन इसमें और भी मॉडल है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, G Pro और G Pro X सीरीज करके भी आता है जो 11 से 13,000 के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं। वैसा तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें माउस हेडफोन्स, गेमिंग हेडफोन्स मेनली इनके बारे में बताया। और सर मैं एक बात करूं अगर नॉर्मल एंड यूज़र से, तो सबसे अच्छा माउस अगर आप कौन सी कंपनी सजेस्ट करते हो तो कौन सी कंपनी रहेगी वो सर? अगेन बजट सेगमेंट की बात होती है तो सर मैं बता दूं सर 1500 से 2000 की रेंज है, तो मैंने आपको दो ब्रांड बताया, रेजर का एसेंशियल दताडर एसेंशियल जो 1700-1600 का आता है या फिर लॉजिटेक का G502। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जितने माउस है वो सब आपके छोटे पाम के लिए रहते हैं, ज्यादा बड़े तो फिर वो एडजस्टमेंट हो जाती है। अच्छे गेमर हो, डिसेंट गेमिंग करना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है तो आपको एक ही ब्रांड और एक ही माउस है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे लॉजिटेक G402। ये आपको हर कैफे या हर बेसिक जो डिसेंट गेमर है वो आपको सबसे ज्यादा आपको रेकमेंड करेगा तो लॉजिटेक का G402 ही करेगा। इफ आपका बजट है 2200 से 2500 के बीच में। इसमें और भी एक माउस आता था कूलर मास्टर का, जो भी खैर मेरे पास नहीं है, नेक्स्ट वीडियो शायद कभी आप आए तो मैं आपको दिखाऊं, जिसको लाइट वेट माउस चाहिए। अभी जो FPS गेमर है, जो फ्रेम्स पर सेकंड जो बोलते हैं, वो FPS गेमर्स ज्यादा करके लाइट वेट माउस। अभी आपने ग्लोरियस सुना होगा जो मार्केट में आया है, बट यही है कि वो ज्यादा करके ऑनलाइन आया तो सर्विस स्टेशन का थोड़ा इश्यू है। कूलर मास्टर में एक आता है MM711, वो माउस देखेंगे आप तो उसको हनीकॉम का लुक्स दिया हुआ है। जैसे कि आप एक माउस आपको एग्जाम्पल वाइज दिखाता हूं कि माउस का आपका पूरा बॉडी दिखता है, लेकिन वही एक माउस है जिसके अंदर हनीकॉम के आपको शेप की कार्विंग किया, उस माउस को सिर्फ 60 ग्राम्स का बनाया हुआ है। वो बनते हैं आपके FPS गेमर्स के लिए। तो तरह तरह के माउस है सर, डिपेंड करता है आपके बजट, एज एन इंडिविजुअल आपका हैंड का ग्रिप क्या है, पाम क्या है, एंड थर्ड लास्ट प्रायोरिटी आते हैं मे बी ब्रांड। वो ब्रांड के हिसाब से आप फिर डिसाइड कर सकते हो। ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा हमें नॉलेज दिया मेनली माउस और हेडफोन्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सर आपके शॉप में मेनली जो कंप्यूटर प्रोसेसर्स हो गए, ग्राफिक कार्ड्स हो गए, कि क्या 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 भी रेंज चालू है। ग्राफिक कार्ड तो मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है मार्केट में, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सर के शॉप पे ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर्स, मदरबोर्ड्स हो गए कि क्या रेंज चालू है। और सर के शॉप का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट देम। और प्रतीक सर का नंबर मेनली मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये था गाइस ये वीडियो के बारे में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू यू, बाय बाय।